हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारीexam.com में, जो कि देता है अपडेट सबसे पहले पाना हो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट या किसी एडमिट कार्ड रिजल्ट एंटर की जानकारी, एक नाम याद कर लीजिए सरकारीexam.com। दोस्तों सरकारीexam.com देता है सभी वेबसाइटों से सबसे पहले और सबसे तेज अपडेट, इसलिए गूगल पे हमेशा ओपन करें सरकारीexam.com। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RRB ग्रुप डी रिजल्ट और PET डेट को लेकर। आखिर कब जारी किया जाएगा RRB ग्रुप डी रिजल्ट और PET डेट का नोटिस, कि किस दिन आने वाला है आपका रिजल्ट और PET डेट। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम को खत्म हुए लगभग 2 महीने होने वाले हैं। 11 अक्टूबर को जो था आपका एग्जाम खत्म हो चुका था, उसके लिए आंसर की भी जारी कर दी गई थी, ऑब्जेक्शन भी फिल करा लिए गए थे, जिसके लिए लाखों बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी दिया था। उसके बाद कहा जा रहा था कि आपका री आंसर की आएगा, लेकिन री आंसर की नहीं जारी किया गया। अब डायरेक्ट रिजल्ट को लेकर जो है न्यूज़ में आ रहा है कि डायरेक्ट आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट को लेकर अभी आयोग द्वारा जो है अभी तक कोई नोटिस नहीं जारी की गई है, ना रेल मंत्री द्वारा कोई बयान दिया जा रहा है रिजल्ट को लेकर, ना रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा कोई नोटिस जारी की जा रही है रिजल्ट को लेकर। ऐसे में जो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने अपना RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है, वो अपने रिजल्ट का है जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब जारी किया जाएगा आपका रिजल्ट। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हुई तमाम अपडेट पाते रहने के लिए। दोस्तों जैसा सभी को पता है कि रेलवे का जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है, और अब जो बच्चे हैं वो अपने रिजल्ट को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने जो है फॉर्म फिलअप किए थे और 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे। जो रिजल्ट आपका लेट हो रहा है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नहीं हो रहा है, वो रिजल्ट आपका लेट हो रहा है एजेंसी के थ्रू। जिस एजेंसी को रेलवे ने टेंडर दिया था एग्ज़ाम कराने का, वहाँ से जो है आपका रिजल्ट लेट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अब तक आपका रिजल्ट तैयार ही नहीं किया है, ना ही अपलोड किया है। तो ऐसे में जो है आपका रिजल्ट इस महीने के लास्ट तक आ सकता है। मैंने बोला है 15 दिसंबर के बाद, तो 15 दिसंबर के बाद जो है नोटिस जारी की जा सकती है कि आपका रिजल्ट किस दिन आने वाला है। बिना नोटिस के आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसके लिए सर्वर भी हाई चाहिए। तो ऐसे में जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इस बार कोई गलती नहीं करेगा, हाई सर्वर रखेगा, ताकि जो बच्चे हैं वो अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सके। रिजल्ट आप चेक कहाँ से करेंगे, उसके लिए सरकारीexam.com पे आना है। नीचे यहाँ हमने पहले से ही RRB ग्रुप डी रिजल्ट करके एक पेज बना दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आएंगे जब इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डाउनलोड रिजल्ट करके आगे क्लिक हेयर का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। हालांकि अभी जो ऑप्शन है वो ब्लैंक है, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको इस पे क्लिक करके आपको अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। इस बार का जो रिजल्ट है वो PDF फॉर्म और लॉगिन फॉर्म दोनों में आएगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक यहाँ पर हम प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा आप रिजल्ट अपने व्हाट्सएप पे भी पा सकते हैं डायरेक्ट लिंक, कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइन सरकारी एग्जाम व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की इमेज दिख रही होगी ज्वाइन व्हाट्सएप करके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ज्वाइन चैट का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस ज्वाइन चैट पर क्लिक करते आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। जैसे ही रिजल्ट की लिंक आएगी डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज दी जाएगी, तो फटाफट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। उसके अलावा आप हमारा प्ले स्टोर ऐप है, जो सरकारी एग्जाम ऑफिशियली ऐप के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल सकती है RRB ग्रुप डी रिजल्ट की, जिस दिन जारी होगा उस दिन आपको डायरेक्ट लिंक यहाँ से मिल सकती है। तो फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ऐप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बता देते हैं फेक नोटिस। एक फेक नोटिस जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर PET बेस्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटी कंडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 17 अगस्त 2020 11 अक्टूबर 2020 शेड्यूल टू बी डिक्लेयर आफ्टर 15 आवर्स ऑफ 12 दिसंबर 2020। यानी यहाँ पे जो है 12 दिसंबर शाम को 3 बजे जो है आपका PET शेड्यूल जारी करने की बात की जा रही है, लेकिन जो ये नोटिस है वो अभी ऑफिशियल पे हमें नहीं दिख रही है। अब ये नोटिस कहाँ से आ रही है, इसके बारे में अभी सर्च हो रहा है कि ये नोटिस किसने जारी की है। हल्का जो तमाम ऑफिशियल जो है साइडें हैं रेलवे की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें नीचे दी गई है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको रेलवे की तमाम जो ऑफिशियल साइट है यहाँ देखने को मिल जाएंगी, एक एक करके आप ओपन करके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देंगे रिजल्ट किस पे आ सकता है, अहमदाबाद की साइट पे आ सकता है, इलाहाबाद की आ सकता है, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई,
ठीक है। इन साइटों पे जो होता है कि रिजल्ट सबसे पहले जारी किया जाता है, बाकी धीरे धीरे अपडेट किया जाता है बाकी जोन की साइटों पे। तो इन जोन पे आप आके चेक कर सकते हैं ऐसी कोई नोटिस है कि नहीं। हल्का मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे कोई नोटिस नहीं है रेलवे ग्रुप डी और पीटी डेट को लेकर, तो ये नोटिस जो है वो फेक लग रही है, ठीक है, ये रियल नोटिस नहीं है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो है आपका 12 तारीख को पीटी डेट जारी कर दिया जाएगा। अगर जारी कर दिया जाएगा तो उससे पहले आपका रिजल्ट भी आ सकता है, यानी 12 तारीख को पीटी डेट जारी किया जा रहा है तो 10 या 9 तारीख को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आप कितनी सच्चाई है हम 12 तारीख को चेक करेंगे कि ये नोटिस रियल है या फेक, या ऐसी कोई नोटिस आई थी या वायरल हुई थी, ठीक है। जब हमने न्यूज़ पर सर्च किया तो न्यूज़ वाले भी यही बता रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो दिसंबर में जारी किया जाएगा, लेकिन कोई आधिकारिक डेट नहीं है, कोई आधिकारिक तारीख नहीं है रिजल्ट को लेकर कि इस दिन जारी किया जाएगा। बस इन्होंने भी बोला है कि जो आपका रिजल्ट है वो दिसंबर माह में जारी कर दिया जाएगा, वो चाहे सेकंड वीक हो चाहे थर्ड हो चाहे फोर्थ, लेकिन दिसंबर में ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप चेक कहाँ करेंगे? चेक करने के लिए मैंने पहले बता दिया सरकारी एग्ज़ाम.com। तो फटाफट से अभी आइए सरकारी एग्ज़ाम.com को व्हाट्सअप पर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर आपको अपडेट मिलती है सबसे पहले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को पता चले जो आपका रिजल्ट है वो सबसे पहले जारी किया जाएगा सरकारी एग्ज़ाम.com पे, ठीक है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी तमाम अपडेट को पाते रहने के लिए। थैंक यू।